नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहां भी, हमेशा खुश रहे, सुखी रहे और संपन्न रहे। दोस्तों, कुछ ही दिनों में आ रहा है नया साल 2023 का साल। सभी लोगों के अंदर बहुत ही जबरदस्त क्यूरियोसिटी है कि ये साल हमारा कैसा होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, हमारी इकोनॉमिकल पोजीशन कैसी होगी। जो स्टूडेंट्स से पढ़ाई के बारे में सोच रहे हैं, हमारी पढ़ाई में हमको हमारा कैसा लक होगा, देश और देश ढेरों प्रॉब्लम्स जिनसे आप जूझ रहे हैं या जो जीवन आप जी रहे हैं उसमें आपको कितनी प्रोग्रेस मिलेगी, तो उनके तमाम वीडियोस, हर शब्द, हर चीज से जुड़ी हुई वीडियोस मैं अपने चैनल पर अपलोड कर रही हूँ। तो बिना एक भी वीडियो को मिस किए आप तमाम वीडियो को जरूर देखें और जो भी उपाय आप कर सकते हैं उन्हें आप जरूर करें। उपाय यदि अच्छा लगता है तो लाइक करें, ऐसी ही वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें। बराबर कमेंट बॉक्स में दोस्तों जो भी नंबर दिए जा रहे हैं ये तमाम फ्रॉड लोगों के नंबर हैं, इनका कॉन्टेक्ट ना करें। कई नकली विना भदौरियाज बैठी हुई है जो आपसे बात कर रही है और पैसे लूट रही है, सावधान रहें। मेरा नंबर कभी भी मैं कमेंट बॉक्स में नहीं देती, मैं बहुत जल्दी अपना नया नंबर इंट्रोड्यूस करूंगी जो मेरी वीडियो में, चालू वीडियो में आएगा। यदि आप मुझसे बात करना चाहते हैं आप उसी नंबर का कॉन्टेक्ट करें। दोस्तों, ये जो नया साल आ रहा है 2023, ये केतु प्रधान है। राहु केतु का इसमें जबरदस्त इफेक्ट दिखेगा, बुध का भी इसमें बहुत जबरदस्त इफेक्ट दिखेगा। आप टोटल अंक जोड़ेंगे तो आपको केतु का प्रभाव दिखाई देगा। आप सिर्फ साल का ही जोड़ेंगे कि 23 के साल है तो आपको बुध का प्रभाव दिखाई देगा। बराबर ये उपाय जो मैं आपको बता रही हूं, इस उपाय को आप इस साल, साल की शुरुआत में ही कर लें। शुरुआत में ना भी कर पाए, कुछ समय के बाद करते हैं तब भी कर लें, लेकिन इस साल ये उपाय बहुत ही जबरदस्त अपना असर दिखाएगा और दिखाएगा। ये साल दोस्तों भैरव जी की उपासना करने से आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे, कदम कदम पर सफलता मिलेगी। जो भैरव जी के उपासक हैं उनके लिए तो ये साल बहुत सोने पे सुहागा होगा, हर इच्छा पूरी होगी, लाइफ में जबरदस्त यू टर्न्स आ जाएंगे। जो जिनकी जन्म तारीख एक है, सात है, पांच है या इन अंकों से जुड़े हुए जिनके भी टोटल अंक आते हैं, जैसे एक तारीख और दस तारीख जिनका अंक एक का है, बहुत ही लकी साल है। जिनकी जन्म तारीख सात है, चौदह है, सात पच्चीस है, मतलब जिसका भी सात का अंक आएगा, पच्चीस में भी पांच प्लस दो सात, तो जिनकी जन्म तारीख सात है, चौदह है, पच्चीस है, उनके लिए भी साल बहुत बढ़िया रहेगा। जिनकी जन्म तारीख पांच है, चौदह है, तेईस है और सोलह है, ऐसे लोगों के लिए भी ये साल बहुत बढ़िया रहेगा। मतलब जिनका टोटल मूलांक भी एक, सात या पांच आ रहा है उनके लिए भी ये साल बहुत लकी है। इस साल दोस्तों आप एक छोटा सा काम करें, काले कुत्ते के आगे के जो पैर है उसमें जो राइट साइड का पैर हो उस तरफ का यदि आपको नाखून मिलता है, बिल्कुल छोटा सा, आपको किसी कुत्ते को ऐसा नहीं फिर आप कुत्ते को हर्ट करने लग जाए, पकड़ पकड़ के उसके नाखून ही काट डाले, नहीं, छोटा सा यदि आपको टुकड़ा अवेलेबल हो जाता है तो आप उसे ले लें, धो धा करके स्वच्छ कर लें और एक पटे पर काला कपड़ा बिछाएं, उसके ऊपर थोड़ी सी उड़द रखें और एक छोटी सी प्लेट में इस नाखून को रखें, इसमें थोड़ा सा काजल लगा दें, इसी के ऊपर थोड़े से काले उड़द डाल दें और ओम नमो भैरवाय नमः 108 बार आप इस मंत्र को बोल लें और इस नाखून को या तो आप तावीज के अंदर डाल करके धारण कर लें गले में, या फिर इस नाखून को
आप अपने पर्स में रख लें काले कपड़े में रैप करके। ये उपाय दोस्तों बहुत बढ़िया काम करेगा। इस साल काले कुत्ते को जितना ज्यादा हो सके आप बिस्किट खिलाएं, दूध पिलाएं, बाजरे की रोटी में शहद लगा करके बाजरे की रोटी खिलाएं, आपकी किस्मत चमक जाएगी। ये उपाय आपकी किस्मत को चमका देगा। करके देखो, कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछे अवश्य। उपाय करते रहें और हमेशा हमेशा खुश रहें। जय श्री कृष्ण।